Assalamualaikum, नमस्ते सत श्री अकाल, वेलकम टू YouTube चैनल से हमारा रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट जेवसी मोहित साथ है मैं राना से। नाज़रीन, आज हम कुछ स्वैगी किस्म की वीडियोस के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं, और वो स्वैग है भाई लॉरेंस बिश्नोई का। हमने इससे पहले भी लॉरेंस बिश्नोई के हवाले से जो है एक छोटा मोटा रिएक्शन किया था, तो लोगों ने कहा भाई लॉरेंस बिश्नोई जो है ना वो हमारा हीरो है। और अभी जिस तरह से खालिस्तान की मूवमेंट भी चल रही है, तो उस पर भी ये कहा जाता है कि भाई लॉरेंस बिश्नोई को ज़रा खालिस्तानियों के सामने करो, खालिस्तानियों के ना मतलब हिल जाएंगे, वो डर जाएंगे। मतलब लॉरेंस बिश्नोई इस तरह का बंदा है कि उसका घर बैठे मतलब जेल में बैठ के ऐसा इंटरव्यू आ जाता है और वो लाइव चल रहा है और पता नहीं मतलब, और वो बैठे बैठे कहते हैं हाँ भाई मैं मारूंगा ऐसे ये। तो वो स्वैग तो है उस बंदे का। तो अभी ज़रा उनकी देखते हैं कि उनकी लाइफ में किस किस तरह के मूवमेंट्स हैं, और वो ज़रा हम भी इंजॉय करने की कोशिश करते हैं, तो वीडियोज़ देखते हैं। तो चलें जी, फिर वीडियो की तरफ जाने से पहले या लाजमी हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें। चलें जी, आएं जी। ये सलमान खान के साथ थोड़ा सिक्योरिटी है, इसके साथ ज्यादा होगी ना सर, बात ये है। वो तो अपनी भी रख लेंगे, अगर पुलिस में होगी तो सिक्योरिटी रखना तो हर एक का अधिकार है, और आप जैसे लोग थ्रेट करें तब तो हर कोई रख लेता। पुलिस से तो लड़ना है सर, अपनी सिक्योरिटी कब देख लेंगे इसकी, पुलिस से क्या फर्क पड़ता है आपको। सिद्धू मूसे वाला के साथ भी सिक्योरिटी तो थी, तब कौन सा आप, एक दिन हो सकता है आपके भी इसी तरह से कोई मारे, वो चीज सर कंप्लीट कर ली जी सर। जीवन का टारगेट क्या है तुम्हारे, लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना जी, और कोई लक्ष्य नहीं है। अगर आप लोगों का इतना डर है तो आपका गैंग कुछ तो कर रहा होगा ना लॉरेंस सर, गैंग को बटो मेरे को तो ये देख लो मेरे लिए रहती है, इसको तो अच्छा हो गया आप जेल में सेफ हो आराम से, और बात चलता रहता है ये कम होगा बाहर, आपके गुर्गे शूटर काम करते रहते हैं बाहर, प्रभु की लीला सर ही है हमारा भैया। बंदे आ तो स्वैग भी रहा ना, अभी इतनी ज्यादा एज भी नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई को मैं आपको बात बता दूं, आज मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आप लॉरेंस बिश्नोई को सिर्फ एक टारगेट दें कि तो मैं खालिस्तानी बहुत बोलते हैं इनको टाइट करूँ। एक बार लॉरेंस बिश्नोई को आपने बोल दिया कि इनको ठिकाने लगाना जरा, ये सब के सब चुप हो जाएंगे, पीस हो जाएगा बिल्कुल अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में। लॉरेंस बिश्नोई ये अरे अटैक ये अपने दिल के अंदर हो जाएंगे, खालिस्तानी इतना डरते हैं लॉरेंस बिश्नोई से। यार बंदे का स्वैग तो है, अब ये नहीं समझ आ रही कि ये इस बंदे ने ऐसा क्या किया है कि यार मतलब ना देखो पूरा मतलब मैं कहता हूँ कि अपने आप में एक अपना ही जगह है, और मुझे तो लगता है कि इसे इंडियन पुलिस ने पकड़ा नहीं है, बल्कि इंडियन पुलिस इसकी सिक्योरिटी के लिए इसको खुद जो है ना वो प्रोटोकॉल दे दिया और इसको रखा हुआ है वहाँ पे के वरना जिस तरह की ये जेल के अंदर भी अपना एक चिल फिर रहा है, मतलब मोबाइल शुबाइल ये वो सारा कुछ, तो मुझे तो ऐसे लगता है कि इंडियन पुलिस ने इसे पकड़ा नहीं है, बल्कि इंडियन पुलिस तो इसे प्रोटेक्ट कर रही है। मैं इतना हैरान हुई हूँ, मतलब कि वो कैसे कहते हैं हाँ मैंने मारा है, हाँ हमने मार देना है, लाइक क्या लिटरली मतलब कि उसका, और इतनी उम्र भी नहीं हो ना, कोई बड़ी बड़ी मूछों वाला कोई 40-50 साल का आदमी हो उससे डरते हुए भी बंदा कहे। मैं देखे ना, मैं आपको बताऊं कि देखे इंडिया हर इंसान को ना इंडिया में एक प्रॉपर जो है ना वो उसका एक होता है टाइम होता है, और जिस तरह अगर आप ये देखें तो इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई जो है ये इस वक्त इंडिया के लिए सूटेबल है, और जितने इंडिया के दुश्मन हैं उनके लिए जो है लॉरेंस बिश्नोई एक थ्रेट बना हुआ है। इससे ये अंदाज़ा अगर हम लगाएं कि नहीं जी इंडियन आर्मी अपनी जगह, इंडियन पुलिस अपनी जगह, लेकिन लोगों में जो एक खौफ है ना कि भाई ये काम कराना तो को काम हो सकता है, और इंडिया उसको बैक भी करता है। जिस तरह अभी मेजर गौरव आर्या एक टीवी चैनल पे बैठ के ये बात कर रहे हैं कि मैं आपको ये कहता हूँ कि ये जो खालिस्तान वाले, और खालिस्तान वाले वही जो ये लोग कहते हैं जी कि हमें अपना मुल्क अलहदा चाहिए, हम अपनी एक स्टेट अलहदा बनाना चाहते हैं खालिस्तान के नाम से, हम अपना कंट्री बनाना चाहते हैं, तो जब वो खालिस्तान का कंट्री बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसका जो पंजाब है इंडियन पंजाब, वो उसमें ज़्यादा सिख लोग रहते हैं तो वो खालिस्तान के हिस्से में ही आएगा।
तो वो यकीनन एक इंडिया का टूटने वाला ही सिलसिला होगा ना कि इंडिया की एक स्टेट अलहदा हो जाए। तो वो उसने कहा जी मेजर गौरव आर्या ने कि ये लॉरेंस बिश्नोई को इनके सामने ला के खड़ा करते हैं, इनकी ऐसी की तैसी कि ये आगे से कुछ बात कर जाए ये सारे मामले। तो यहाँ पे देखो कि उसको उसको एक हीरो के तौर पे जो है वो किया जा रहा है। इसी तरह सिद्धू मूसेवाला था, तो सिद्धू मूसेवाला को भी जो है ये कहते हैं भाई मारा है उसने, ये हमारा वो मुखालिफ था और वो स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा था, तो हमने कहा भाई बस इसको भड़काओ। फिर उसके बाद अगर आप देखो कि सलमान खान जैसा एक बॉलीवुड का एक्टर, तो वो कह रहे हैं हाँ भाई हमारी ज़िंदगी का लक्ष्य ये है कि अब हमने उसे मारना है। तो यहाँ पे आगे मुझे समझ नहीं आता। और फिर जिस तरह लॉरेंस बिश्नोई को एक प्रॉपरली वो दिया जा रहा है प्रोटोकॉल टाइप, और मतलब आप देखें कि जेल के अंदर भी सारी सहूलतें, और फिर उसके अलावा सोशल मीडिया पे वो जितने ज़्यादा मतलब उनकी उनको प्यार मिल रहा है, फैन फॉलोइंग बढ़ रही है उनकी, उस तरह का नहीं है कि जिस तरह दाऊद इब्राहिम के साथ हुआ, या वो जो एक अभी पिछले दिनों अली शायद उनका नाम है अतीक उसको जिस तरह से वो किया गया मर्डर, तो वो वाला सिलसिला नहीं है इसमें लॉरेंस बिश्नोई का नज़र आ रहा है, लॉरेंस बिश्नोई का टाइप हो रही है। और हाँ, और ये कोई भेद नहीं है कि अगर लॉरेंस बिश्नोई कल को इंडिया के साथ कहीं पर आ जाता है टक्कर में कहें भाई ऐसा नहीं ऐसा है, तो फिर इंडिया जो है इसको भी मरवा देगा। मुझे तो ये लग रहा है जिस तरह वो अतीक के साथ हुआ दिन दिहाड़े, उसको रात के वक्त जो है वो एक मतलब इंटरव्यू ले रहा था मीडिया वाला, और मीडिया के सामने जो है उसके सर में गोली मार दी गई और वो उधर ही हो गया। मैं बिल्कुल बड़ा कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं आती। कमेंट्स पढ़ती हूँ तो लगता है कि ये हीरो है, किसी कोई बात पता ऐसा देख तो लगता है विलन है, पता नहीं हीरो है कि विलन है, कोई समझ नहीं आ रही। ये बीच में जो है ना इन्होंने माहौल बनाया हुआ है, तो लॉरेंस बिश्नोई साहब कोई ऐसा अब हमें आपकी कोई समझ नहीं आ रही। लेकिन ये है कि एनी हो ये जितने भी होते हैं ना वो हमारे एक यहाँ पे एंकर है मंसूर अली खान वगैरह, तो लॉन्डेल पाड़े उनको ना ये वाकई ये इस किस्म के एटीट्यूड और इस तरह की लाइफ जो है ना वो पसंद होती है कि यार उसकी भैंस की आग वो ऐसे कर देंगे, ये कर देंगे, फलां कर देंगे, बस मार देना ये है वो है पुलिस ये वो। और बहुत ज़्यादा हमारी यूथ जो है ना कहीं हद तक जो अनएजुकेटेड है वो ये समझती है कि यार जब तक हम पे कोई केस ना हो, हम कोई अदालतों में ना हो, हम जेल में ना हो, तो हम अपने आप को ना कूल ही लगेंगे, हम थोड़ा सा ना वो होगा कि यार मतलब, और जो बंदा जेल से आया उसकी मोराल भाई क्या बात है, जेल लट के आए जेलों से हो गए भाई फलाना, तो लोग डरते हैं। तो ये लोग एक अपने आप में एक उन्होंने ये एक स्टिग्मा सा बना लिया। सो ये थी, बाकी अब हमें नहीं पता, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई लॉरेंस बिश्नोई अगर हीरो है तो हीरो क्यों है, और जिनके लिए विलन है तो विलन क्यों है, ताकि हम एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें और हम भी या तो विलन वाली साइड पर लॉरेंस बिश्नोई को रखें या फिर हीरो वाली साइड पर रखें। तो ये अब आपने कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करें, आईडी मेंशन फॉलो करें। सेशन तब तक के लिए अपने मेजबानों को दीजिए दुआ में याद रखें, अल्लाह ने के